प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर के रामगंज में 13 और नए मामले सामने आने के बाद अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 108 हो गई है, जिसमें सबसे अधिक आंकड़े जयपुर के 34 हैं। आपको बता दें कि रामगंज में ओमान से आए व्यक्ति के संपर्क में आने से यहां 25 लोग संक्रमित हो गए, जो प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। हालांकि संक्रमण फैलने की आशंका के चलते प्रशासन ने पहले ही 4 दीवारी में कर्फ्यू लगाकर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है। वहीं चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार 4 दीवारी क्षेत्र में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रही है। इस दौरान कोरोना के लक्षण मिलने पर संदिग्धों को आइसोलेट किया जा रहा है। हालांकि अभी भी जयपुर में 10 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। केस आए हैं तो इसके बाबत अभी हमने रामचंद्र दोबारा से मेडिकल टीम्स वगैरह भिजवा दी है। हमारे दोनों सीमर्स वहाँ पर हैं और मेडिकल टीम है जो वहाँ पर 25-30 मेडिकल टीम है, तो लगातार वहाँ पर राउंड तक लोग काम कर रहे हैं। आज हम जो उन लोगों से जो नए लोग आए हैं उनके कॉन्टैक्ट में जो लोग रहे हुए हैं उन लोगों को तुरंत प्रभाव से वहाँ से अटैक करके उनको आइसोलेशन के लिए दूसरी जगह जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। और हमारी जो स्क्रीनिंग टीम्स हैं वो लगातार रामगंज है या जयपुर का जो बाहर का क्षेत्र है सभी जगह लगातार टीमें हैं वो काम कर रही हैं। और दूसरे जो हमारा जो बाहर जो लेबर्स वगैरह जो रुकी हुई है हमारे जो जहाँ पर हमने जो अदर स्टेट्स की है जो यहाँ पर रुकी है तो उनके लिए भी जहाँ पर हमने जो आश्रय स्थल बना रखे हैं सब जगह वहाँ पर खाने